In tissues chapter, let's start another type of permanent tissue, that are complex permanent tissue. Complex permanent tissue. Okay? I hope आप लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों जो टिश्यूज हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का चार्ट प्रिपेयर कर लिया होगा. जितना आपको अभी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उतना आप नोट्स प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके. So, what is important in complex permanent tissue and difference between simple and complex permanent tissue? तो सबसे पहले सिंपल और कॉम्प्लेक्स वर्ड का मीनिंग क्या है. सिंपल मीन्स देर आर सिंपल टाइप ऑफ सेल ग्रुप टूगेदर एंड परफॉर्म देयर फंक्शन. ठीक है. लेकिन कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होते हैं तो वो भी परमानेंट है. उनकी जो ग्रोथ है और डिविजन की जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई है. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल्स होती है वो अलग अलग टाइप की होती है. वो उनके टाइप, स्ट्रक्चर और मतलब वर्क जो है वो मतलब डिफरेंट हो सकता है. वर्क मतलब उनका कॉमन फंक्शन एक ही है लेकिन शायद वो सपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो उनके जो शेप या स्ट्रक्चर होता है उससे वो डिसाइड होता है कि ये क्या करेंगी कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू में, है ना. सो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने दो कैटेगरी की है. वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम. ठीक है. इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे नेम है. जैसे एक नेम है वैस्कुलर टिश्यू. दूसरा है कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक है. वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों जो टिश्यू के नेम है वैस्कुलर और कंडक्शन, ये दोनों रिलेटेड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन से. यानी ये दोनों जो हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ मटेरियल्स का, उसमें इन दोनों की कैटेगरी हमने की हुई है. तो कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू कुछ है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कुछ है, दोनों के सेम ही आंसर है. यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम की डिटेल लिखने की है. कंडक्टिव टिश्यू नेम है इसका और दूसरा नेम है इसका वेस्कुलर टिश्यू. सो देयर आर टू कैटेगरीज, जाइलम एंड फ्लोएम. तो सबसे पहले अगर जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम क्या है, वॉटर कंडक्टिव टिश्यू है. वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू. और वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसमें वॉटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है. अब वॉटर कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर, है ना. तो सॉइल के अंदर जो रूट्स प्रेजेंट है वहां पर जो जाइलम है वहां से जो वॉटर है वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा, है ना. वो फंक्शन जो है प्लांट का जो पार्ट जो स्ट्रक्चर करेगा वो है जाइलम. सो इट इज नोन एज वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू. अब जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा ये, तो एक तो हो गया वॉटर ट्रांसपोर्ट करेगा, दूसरा वॉटर सॉल्युबल मिनरल्स. ऑब्वियसली जो वॉटर के अंदर जो सॉल्युबल मिनरल्स होंगे वो भी यहाँ पर जाइलम के थ्रू ही, यानी वाटर जा रहा है तो उसके अंदर जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे वो भी पार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट ट्रांसफर होंगे. ठीक है. तो वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मिनरल्स जाइलम के थ्रू कंडक्ट होते हैं. तो ये तो हुआ फंक्शन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड वाटर सॉल्युबल मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड इट्स मिनरल will be towards roots to other parts of the body. The parts of the plant, है ना. तो इसका जो direction होगा वो हमेशा roots से plant के different parts तक होगा. यानी this flow is always
यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी जायलम जो वर्क करेगा वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो में वर्क करेगा, मींस रूट से जो वॉटर और मिनरल्स है वो हमेशा प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक जाएंगे, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर इन जायलम, वॉटर एंड वॉटर सॉल्युबल मिनरल इन जायलम इज फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो ये हुआ इसका फंक्शन, ये कैसे वर्क करेगा। नाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम, उसमें आपको जाइलम में जितनी, अब हमने अभी क्या पढ़ा कि ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, तो उन सेल्स के नेम है यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है ट्रैकिया, जो हमारी जो ब्रीदिंग के लिए जो वर्ड यूज करते हैं जिसको विंड पाइप, वही ट्रैकिया है। फिर उसके बाद ट्रैकीज, फिर उसके बाद आता है जो मेन इसमें हो गई ट्रैकिया, है ना। इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट नेम है वो है वेसल्स। आई थिंक आपकी बुक में ये वेसल्स ही दिया हुआ होगा, तो अगर आप इसको ट्रैकिया की जगह वेसल्स ही कर लो, वेसल्स, ठीक है। ट्रैकीज, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। सो दीज फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम विच फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स जाइलम परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये चार तरह की इसमें सेल्स होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है वेसल, जो सबसे बड़ी टाइप की सेल होती है, फिर होती है ट्रैकीज, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये सब मिला के जाइलम बनाती है। इनके स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत जो स्ट्रक्चर है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रॉ करने, लेकिन आपको नेम सारे पता होने चाहिए। इन जो चारों टाइप की जो सेल्स हैं, इस सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, ठीक है। अगर लिविंग इन सारी सेल्स की बात करें, क्योंकि है तो परमानेंट टिश्यू, तो अगर लिविंग की बात करें तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, यानी उसमें कुछ टाइम तक डिवीजन होगा, बाकी जो सारी सेल्स है इनमें डिवीजन नहीं होता, ये परमानेंट सेल्स होती है और सपोर्ट का भी काम करती है एज वेल एज जाइलम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम तो कर ही रही है, ये प्लांट को सपोर्ट का भी वर्क करती है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोएम, है ना। हमने पहले हम दोनों को अलग अलग करेंगे, फिर इनका हम कंपैरिजन देखते हैं। नाउ फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। सबसे पहले ये एक पॉइंट आ गया कि जो फ्लोएम है वो फूड का कंडक्शन करेगा। फूड मतलब जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है प्लांट के अंदर, वो है ना। तो कंडक्शन ऑफ फूड या फ्लोएम इज नोन एज फूड कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। तो ये एक तो पहला फंक्शन हो गया इसका, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। नाउ जैसे जाइलम, अगर आप समझो कि जाइलम मेनली कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, तो उसका जो मेन पार्ट है जाइलम जो होगा वो स्टेम वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहीं से सारी जो रूट्स, मतलब प्रेजेंट तो पूरी बॉडी में होगा, लेकिन मेन जो उसका एरिया है वो होगा एपिकल पार्ट्स, क्योंकि पूरी बॉडी में जो वाटर है वो रूट्स से दूसरे पार्ट्स तक जाएगा, है ना। लेकिन जो फ्लोएम होंगे और जाइलम जो होगा वो प्लांट की जो बाहर की साइड है वहां पर प्रेजेंट होगा, एट आउटर सरफेस। अगर आप किसी भी प्लांट का छोटा सा सेक्शन कट करके माइक्रोस्कोप में देखो, तो आपको बाहर की तरफ कौन दिखाई देगा, जाइलम, और जो फ्लोएम होगा वो अंदर की तरफ दिखाई देगा, है ना। स्ट्रक्चर में जो फ्लोएम की सेल्स होगी वो थोड़ी इंटीरियर होंगी। तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू हो गया। नाउ दिस टिश्यू मीन्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, तो फूड यानी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स वी कैन से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, है ना। तो फ्लोएम कंडक्ट फूड या ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, अब आते हैं कहां से कहां तक। तो देखो जो फूड है, हम पता है
को लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये ग्रीन पार्ट्स में होगा और जब फूड बनेगा उसको तो मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो एक जो डायरेक्शन होगी वो लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट होगी, नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है। तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा, तो फ्लो ऑफ फूड या फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फ्लोएम इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, क्योंकि वाटर का फ्लो तो क्या होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ ही हो सकता है ना जाइलम में, लेकिन जो फूड है वो तो सपोज करो लीव्स में बनता है तो लीव्स से दूसरी लीव्स में, दूसरी ब्रांचेस में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा न्यूट्रिशन। तो ये जो डायरेक्शन होगी द फ्लो ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, वो हमेशा कैसी होगी, बाय डायरेक्शन इन बोथ डायरेक्शन ऑफ प्लांट्स, अपर एज वेल एज लोअर एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन की बात हो गई कि कैसे डायरेक्शन होगा, कौन कौन से सब्सटेंसेस डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होंगे जो फोटोसिंथेसिस में फॉर्म होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट मेनली क्या होगा उसमें, जैसे जो बन रहा है ग्लूकोज है, स्टार्च है या अदर न्यूट्रिएंट्स जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लो की बात। नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम में जो मेन पार्ट होते हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो होती है, एक होती है सीव ट्यूब्स, फिर है कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिनसे जो फूड मटीरियल या न्यूट्रिएंट्स है वो फिल्टर हो सकते हैं, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि देखोगे आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं तो हमको जो स्ट्रक्चर होगी उसी से पता चल जाएगा कि ये वेसल है कि ट्रैकीज़ है। विड्थ इनके सेम हो सकती है लेकिन जो सीव सेल होगी, सॉरी वेसल है कि सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब है तो हमको उनकी एंडिंग्स पे होल यानी छोटे छोटे जो है वो पिट्स दिखाई देंगे, तो इसी की वजह से उनका नाम जो है वो सीव ट्यूब्स पड़ा है। और इन्हीं सीव ट्यूब्स के पास ये इलांगेटेड जो होती है वो कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है। अब नेम से पता चल रहा है कंपेनियन, जो सीव सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, जो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, जैसे पैरेन्काइमा है तो वो वहां पर जैसे हमने जाइलम का देखा था, जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है। अब यहाँ पर एक है कि जो फ्लोएम फाइबर है वही एक जो है वो डेड सेल्स में आता है। अगर आप थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखोगे तो ये पॉइंट है डेड और लिविंग का जो वेरी कर सकता है कि कौन से पॉइंट जो है वो कौन सी सेल्स है लिविंग और डेड है, लेकिन जनरल है जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो फ्लोएम फाइबर्स है वो जनरली डेड होते हैं। जो जूट फाइबर्स होते हैं या जो रोप बनाने के लिए जो फाइबर्स होते हैं वो जनरली फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं। और वहां पर हमने देखा था कि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारी जो सेल्स है वो डेड है। यहाँ पर सभी सेल्स लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। सो These are the parts of phloem. जब आप डिफरेंस करोगे तो आपको पूरा जो है जाइलम और फ्लोएम का डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जाइलम और फ्लोएम का टेबल जो है वो कैसे बनाएंगे। तो जाइलम और फ्लोएम जैसे आपने अभी इसका कैसे चार्ट बनाओगे, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो मैं बार बार टेबल और चार्ट या पॉइंट्स बनाने के लिए इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आपको आगे जाके थियरी के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी प्रिपेयर करने हैं, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात होती है तो हमको ट्रिक्स चाहिए, शॉर्ट में सारी पॉइंट्स लर्न हो जाए, मतलब हम एक वर्ड करें और हमको पूरा जो है डिस्क्रिप्शन लर्न हो जाए, ऐसा मेथड होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास पैराग्राफ पढ़ना ज़्यादा ईजी लगेगा कि टेबल फॉर्म में या हमारे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ज़्यादा ईजी रहे, है ना। तो जब आप कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन की एक टेबल बनाते हो या डिफरेंस का एक चार्ट बना लेते हो तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे जाइलम और फ्लोएम का एक डिफरेंस बनाओगे आप, तो अगर जाइलम के बारे में पूछेंगे तो पूरा आप नोट लिख सकते हो, फ्लोएम के बारे में पूछेंगे
लिखेंगे, पूरा एक नोट लिख सकते हो, डायग्राम देख के बना लो बुक में से, पूरा एक डिस्क्रिप्टिव नोट तैयार हो गया और डिफरेंस तो डायरेक्ट कर ही रहे हो। ठीक है, तो जायरम एंड फ्लुएम आप इसमें कौन कौन से पॉइंट मेंशन करोगे? सबसे पहले फंक्शन, ठीक है, फंक्शन से पहले आप यहाँ पर हेडिंग लिख दोगे कि दिस इज वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू दोनों का नेम है। राइट नोट ऑन वेस्कुलर टिश्यू, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो वेस्कुलर में आपको दोनों लिखने हैं, लेकिन कंपैरिजन में नहीं लिखना। फिर आप हेडिंग लिख के, हेडिंग करके लिखोगे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, फिर हो गया फंक्शन, फिर हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आपको क्या लिखना है? यूनिडायरेक्शनल है और वो बाईडायरेक्शनल है। ठीक है, फिर आ गया आपका लोकेशन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, है ना। जाइलम मैंने आपको बताया, द जाइलम विल बी प्रेजेंट इन आउटर पेरिफेरी ऑफ द प्लांट एरिया और स्टेम, वी कैन से मींस किसी भी स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ जाइलम होंगे और इंटीरियर साइड पर फ्लोएम होंगे। ठीक है, तो लोकेशन आप लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो सेल्स या काइंड्स ऑफ सेल्स या टाइप्स ऑफ सेल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब ही यही कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स उसमें मिलती हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स हो गई, सारी सेल के टाइप लिख दिया, उसमें डेड और लिविंग बता दिया, और लास्ट में अगर आपको सुटेबल होता है मार्क्स गेन करने में, कोई मतलब मार्क्स इजीली गेन करने, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो डायग्राम भी, छोटे छोटे से डायग्राम इसमें बना देने के, जैसे मैंने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया जाइलम और फ्लोएम, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। फिर आप जाइलम के लिखो, इधर फ्लोएम के लिखो, फिर दोनों का आप इस तरह से कॉमन पॉइंट्स के अंदर कंपैरिजन करोगे। ठीक है, तो ये आपका लाइक होमवर्क जैसा हो गया। आपको मैंने डिफरेंसेस अभी तक जो करवाए हैं उसमें मैंने आपको देखो सिंपल और परमानेंट में डिफरेंस कंपलसरी करना है, फिर मेरिस्टम में मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस है ना, और मेरिस्टमैटिक पे शॉर्ट नोट, ये दो क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आते हैं कंपैरिजन में, कंपैरिजन इन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, सो कंपैरिजन इन थ्री ये हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं वेस्कुलर टिश्यू पे शॉर्ट नोट और जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस, है ना। तो मैथमेटिक और जैसे आप टेबल बना रहे हो डिफरेंसेस का, तो दो के बीच में आप डिफरेंस करोगे, और ज्यादा है जैसे तीन वाले हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो इसमें कंपैरिजन करोगे। छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर वो सेल्स के डायग्राम बना देते हैं, जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो हम डिपोजिशन दिखाना चाहते हैं ये पेक्टिन और लिग्निन का, वो कहाँ है, वो डायग्राम से क्लियर हो जाता है। डायग्राम पे ही कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि डायग्राम दिया है और पूछा है कि कौन से टाइप की सेल है और ये कौन से टाइप का डिपोजिशन है। ओलंपियाड में आप देखोगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम अप टू दिस सेक्शन मीन्स कंडक्टिंग टिश्यू तक हमारा जो है प्लांट टिश्यू वाला सेक्शन खत्म हो गया है ना। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन एनिमल टिश्यू, है ना। तो एनिमल टिश्यू में हम जो जनरली एग्जांपल्स लेंगे वो लेंगे ह्यूमन टिश्यूज के, कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि बायोलॉजी की टर्म्स इसमें यूज होती है बहुत सारी, इसलिए थोड़ा सा एनिमल टिश्यू जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल टर्म्स यूज होती है और उसका हमको क्लासिफिकेशन भी करना है। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में हम उस वो ही लेंथी सेक्शन है, प्लांट टिश्यू कंपैरेटिवली इजी है। तो एनिमल टिश्यू का हम यहाँ पर अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, मतलब इसका क्लासिफिकेशन चार्ट नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, लेकिन अगर एनिमल टिश्यू को हम ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड करें तो देखो कैसे डिविजन होते हैं इसका। जैसे फर्स्ट टिश्यू है एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कोई भी एपिथीलियल, मतलब ये वर्ड आ गया एपिडर्मिस, आउटर लेयर, एपिथीलियल मतलब आउटर लेयर है, तो हमारी जो स्किन है वो एक आउटर लेयर है।
कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे उनके ऊपर भी तो एक लेयर है, तो वो सारी जो लेयर्स हैं जो टिश्यू को या ऑर्गन को कवर करती हैं वो सब एपिथेलियल टिश्यू में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव नेम से पता चल रहा है, ऐसा टिश्यू जो कुछ कनेक्ट कर रहा है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा ब्लड, क्योंकि आपको पता है ब्लड ही सब कुछ कनेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी में, यहाँ से वहां ले जा रहा है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ले जा रहा है, तो यह आता है कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, ठीक है। और बोन्स भी इसी टिश्यू में आती है कनेक्टिव टिश्यू। देन है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मतलब जो मसल्स है ना, मसल्स में अभी आपको ऐसा लगता है कि हाथ और पैर की मसल्स होती है, नहीं, हमारी बॉडी में एक तो हाथ और पैर की मसल्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है, हम उनको मूव करने के लिए वॉलंटरी एक्शन है ये, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स की मसल है, इंटेस्टाइन की मसल है, स्टमक की मसल है ना, उनके बारे में स्टडी करना है तो वो एक अलग कैटेगरी होगी। फिर एक हार्ट की अलग कैटेगरी, तो वहां पर ये जो तीनों टाइप की मसल्स हैं वो कौन से में आती है, मस्कुलर टिश्यू। देन लास्टली नर्वस टिश्यू, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने बोला कि जैसे हम ह्यूमन का स्टडी कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम, तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, तो वो जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो टिश्यू है उसकी जो सेल्स है बिल्कुल डिफरेंट है। सेल वाले चैप्टर में आपको पता होगा आया था कि लार्जेस्ट और बिगेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी इज नर्व सेल, तो नर्व सेल यहाँ पर इसका पार्ट है नर्वस टिश्यू का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, और नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इन डिटेल, है ना, ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसके भी फर्दर क्लासेस है, इसके आपको क्लासिफिकेशन चार्ट प्रिपेयर करने हैं। ओके, थैंक यू।